नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस 28 मार्च 2022। रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों से, और अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो सबसे पहली खबर बन के आ रही है वो मालदीव से आ रही है। मालदीव में भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया है, लेकिन इसी बीच में मालदीव में भारत का विरोध हो रहा है। मालदीव में भारत विरोधी नारे फिर से लगाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के अंदर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि इन लोगों ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, आईसीबीएम जो है, इसका दुरुपयोग किया है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आज के सेशन में हम प्रॉपर तरीके से इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में एक बहुत ही अनोखा बयान दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा गया है कि यदि आप किसी को मुस्कान के साथ कुछ कहते हैं, हंसते हुए अगर आप किसी से कुछ कहते हैं, तो वो अपराध नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट हेट स्पीच के ऊपर सुनवाई कर रही थी और उस सुनवाई के दौरान उन्होंने मुस्कान के साथ किसी को कुछ कहा जाए तो, या कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि कोई हिंसा भड़क जाए, तो उसे गुनाह नहीं माना है, उसे अपराध नहीं माना है। आज के सेशन में इस बात की व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये बयान कितना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके बाद से एक बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में तमाम प्रकार के संगठन एक्टिविस्ट जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। साथियों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रिकॉर्ड चीज दर्ज की है, और रिकॉर्ड चीज ये है कि मानव रक्त में प्लास्टिक मिला है। और मानव रक्त में प्लास्टिक का मिलना कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है, ये आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स की जर्नी जो है वो आज के सेशन में डिस्कस की जाएगी। हाल ही में वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और क्रिप्टो हानियों के खिलाफ लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किए जा सकेंगे। अर्थात अगर किसी ने क्रिप्टो खरीदा, उसको नुकसान हो गया, तो जो उसका टैक्स बनता था ना लाभ के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो हानि उसमें से भर ले। लाभ के ऊपर टैक्स लगा है, हानि को कंपनसेट सरकार नहीं करेगी, ऐसा सरकार ने क्लियर कर दिया है। समझाएंगे आज के सेशन में विस्तार से। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी आज के अपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और वो ये हैं कि निर्यात तैयारी सूचकांक के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास आयोजित किया। किरण मजूमदार शॉ को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग में फेलो के लिए नॉमिनेट किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में आरबीआईएच का उद्घाटन किया। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार का नियुक्त किया गया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में 94वें अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई। विल स्मिथ काफी ज्यादा इस समय विवादों में रहे, हालांकि उन्होंने पुरस्कार जीता भी है, लेकिन किसी को तमाचा भी जड़ दिया। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई अपतटीय में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। भारतीय नौसेना के जहाज वल्सुरा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक आज के सेशन में हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके स्टैटिक जीके पढ़ना चाहता है एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो हमारे द्वारा इकोनॉमी की क्लासेस ली जा रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये क्लासेस इस वीकेंड पर प्राप्त हो जाएंगी। यूज माई रेफरल कोड अंकित10। यदि यूपीएससी कैटेगरी के अंदर आप कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो 54,694 की बचत के साथ में आपको अनअकैडमी का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 57,000 का दिया जा रहा है, जिसके साथ में 3 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज, स्पेशल को क्लास या फिर कोर्स परचेज करने पर आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं और उसके अंदर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। मतलब कहने का अर्थ ये है, आप करिए मत करिए, लेकिन कोशिश को मना मत करिए। कहने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो केवल इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपने कोशिश को कितना स्थान दिया, अपने जीवन में आपने प्रयास को क्या स्थान दिया।
अगर आपके जीवन में प्रयास सही तरीके से किए जा रहे हैं तो निश्चित ही आप सफलता के किसी ना किसी मुहाने पर जरूर पहुंचेंगे, और कुछ भी ना हो तो अनुभव नाम की एक चीज़ तो लेके साइड में हो ही जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ में उपस्थित हो चुके हैं हिमांशु, पवन, पीयूष, अभिमन्यु, अयोध्या, शत्रुघ्न, अभिषेक, अंकित अवस्थी सर फैन क्लब, रोशन के शाह, पीयूष, सचिन, शुभम, AMO मधु चौधरी, अविनाश, अंशु, बीनो, नितेश पांडे, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। साथियों, कल का RNA हमने दिन में लिया था, आज का RNA दिन रात में हो रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होगा इन दिनों कि आपका RNA किसी रात को ना आए, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। आपके लिए जो भी चीज़ें तैयार करनी है वो प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खबर है साहब, ज़बरदस्त खबर ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं ये तो हमारी नीयत है, लेकिन कोई हमारे साथ कैसा करे ये उसकी असलियत है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। साथियों, भारत मालदीव्स के साथ इन दिनों बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवहार निभा रहा है। एक मित्र के नाते भारत मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर साहब 27 तारीख को मालदीव में थे। भारत में जिस प्रकार नेशनल पुलिस अकादमी है, वैसे ही मालदीव्स के अंदर पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया। नेशनल पुलिस अकादमी की तर्ज पर भारत ने मालदीव्स के अंदर एक और पुलिस अकादमी का निर्माण किया, जो कि मालदीव्स के लोगों को मालदीव्स पुलिस सर्विसेज, जिसे आप MPS कह सकते हैं, उसके अंदर ट्रेनिंग देगी। साथियों, भारत ने तो बहुत सारे निर्माण कार्य वहाँ पर करवाए हैं, लेकिन भारत के विरोध में यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन फिर से जोर पकड़ गया है। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हमारे साथ में कुछ खबरों को देख सकते हैं, S. जयशंकर साहब को आपको यहाँ पर कटिंग में दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम टेस्ट इंडिया मालदीव रिलेशन ए फोर्स फॉर स्टेबिलिटी। S. जयशंकर साहब ने कहा कि हमने हेल्थ और एजुकेशन के अंदर बहुत सारे की पैक्ट्स पर साइन किया है, लेकिन मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को फिर से इग्नाइट कर दिया है कि भारत वापस जाओ। यानी कि एक प्रकार से भारतीय राजनेताओं को ये दिखाया जा रहा है कि जैसे अपन एक समय पर भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो अंग्रेजों वापस जाओ या ब्रिटिशर्स गो बैक का नारा अपन देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर इंडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। यदि आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं कि इंडिया गो बैक का विषय क्या है, तो इसी चैनल पर हमने एक विस्तार पूर्वक इस पर पहले भी वीडियो किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत ने मालदीव के साथ क्या अच्छा किया है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, मालदीव्स की अगर बात की जाए तो भारत के दक्षिण में मालदीव्स स्थित है। ये कुछ और नहीं अपितु जिस प्रकार से लक्षद्वीप हमें दिखाई पड़ता है, वैसे ही ये आइलैंड्स पर बसा हुआ एक देश है। ये आइलैंड्स इक्वेटर के नज़दीक पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पर बड़ी गहरी ग्रीनरी पाई जाती है, साथ में यहाँ पर कोरल्स का भी बहुत अच्छा विकास है। यही कारण है कि यहाँ के समुद्र कम गहरे होते हैं, और कम समुद्र की गहराई के चलते यहाँ पर समुद्र का पानी बहुत साफ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। टूरिज्म के बढ़ते प्रभाव से यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भी आगमन होता है। वो बात दूसरी है कि श्रीलंका में जिस प्रकार से इन दिनों टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे, इस प्रकार से मालदीव्स के अंदर भी टूरिस्ट प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए मालदीव्स हमेशा बहुत खास रहा है। खास क्यों रहा है? क्योंकि मालदीव्स की लोकेशन अगर देखी जाए तो ये भारत के दक्षिण में है। दिशाओं को कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है, यदि हम इसे देखें तो मालदीव्स भारत के दक्षिण में है, और भारत के दक्षिण में होने के कारण यहाँ पर चीन का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा स्थापित होने की आशंका रहती है। साथियों, यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर हैं वो पूरी तरह से चीन समर्थित हैं, जबकि यहाँ की जो सरकार है, जो कि सालेह सरकार है, वो पूरी तरह भारत समर्थित है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन के होते हैं। वर्तमान में जो यहाँ की सरकार है वो पूरी भारत की हितैषी सरकार है, भारत की पक्षधर सरकार है, वहीं पर जो अपोजिशन की सरकार है वो चाइना समर्थित है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत के विरोधी नारे लगते हुए दिखाई पड़ते हैं।
ये जगह भारत के लिए मायने बहुत रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि यहाँ पर दुश्मन की प्रेजेंस भारत की हिंद महासागर में उपस्थिति को चैलेंज करती है, यानी कि यहाँ से निगरानी रखने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ खबरें दिखाई जा रही हैं। एस जयशंकर साहब यहाँ पर 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। 27 मार्च को यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट एट अड्डू, इसका उद्घाटन किया। अड्डू यहाँ का एक दक्षिणतम अटॉल है। यहाँ पर एक नेशनल पुलिस अकेडमी की तर्ज पर, जो कि भारत के हैदराबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, उसी की तर्ज पर भारत ने मालदीव्स की पुलिस अकेडमी का उद्घाटन किया है। इसके पूरे पैसे को भारत के द्वारा ही इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि ये पूरा निर्माण कार्य भारत के द्वारा करवाया गया है। यहाँ की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से 2 देशों के बीच बटी हुई हैं। हालांकि यहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन उन दोनों के बीच की जो कट्टरपंथी की जो लड़ाई चलती है, रेडिकलिज्म जो चलता है, वो अपोजिशन के द्वारा यहाँ पर देखा जाता है। एक सरकार पूरी तरह भारत हितैषी है, यही कारण है कि वो चीन की डेथ ट्रैप पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझती है। डेथ ट्रैप पॉलिसी को समझने के कारण यहाँ की प्रेजेंट जो सरकार है वो चीन के साथ में किसी भी प्रकार की लोन एग्रीमेंट को नहीं करना चाहती। यही कारण है कि वो भारत को अपने यहाँ पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए आमंत्रित करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए भारत को धन्यवाद भी किया है, ग्रीट भी किया है। जैसा कि आप सभी को याद हो कि भारत ने मालदीव्स में $400 मिलियन का एक लोन क्रेडिट लाइन के रूप में एक्सटेंड किया था। भारत ने यहाँ पर भारतीय पुलिस अकेडमी की तर्ज पर पुलिस अकेडमी का निर्माण किया है, और भारत के लिए यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से कही जाती है, और वो ये है कि भारत और मालदीव्स ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, और ट्रस्टेड पार्टनर्स होने के नाते हम दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से विश्वास करते हैं, ऐसा हमारे द्वारा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर भारत ने कौन कौन से और कार्यों को इनॉग्रेट किया आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत ने यहाँ पर हैदराबाद की तरह से एक पुलिस अकेडमी का निर्माण तो किया ही है, साथ में यहाँ पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क सेंटर की भी स्थापना की है। भारत के द्वारा किए गए यहाँ पर प्रमुख कार्यों के अंदर ये पूरी लिस्ट है, हालांकि आपको जानने की खास जरूरत नहीं है। भारत ने यहाँ पर अड्डू रेड प्रोजेक्ट की घोषणा की है, यहाँ पर कोस्टल रडार सिस्टम की घोषणा की है, साथ में यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए विलुनू नाम से HICDP प्रोजेक्ट की भी घोषणा की है। इको टूरिज्म जोन भी यहाँ पर विकसित करने का भारत ने प्रयास किया है। क्लियर है? अब सवाल बनता है कि भारत का यहाँ पर विरोध क्यों होता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत पहले भी एक सेशन कंप्लीट किया है, अगर आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर मालदीव्स के अंदर जो मालदीव की अपोजिशन सरकार है वो भारत का विरोध करती है। अपोजिशन सरकार, अपोजिशन का मतलब हुआ कि जो लोग यहाँ पर सत्ता में नहीं हैं वो ये मानते हैं कि भारत ने उन्हें सत्ता से बाहर रखने का कार्य किया हुआ है। अपोजिशन में यहाँ पर यामीन नाम के व्यक्ति का बहुत बोलाबाला है। ये यामीन वही हैं जो कि पहले 2018 तक मालदीव्स के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन भारत के प्रभाव के चलते, ऐसा कहा जाता है कि भारत के प्रभाव के चलते वो सत्ता पर लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सके और फाइनली उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इंडिया ने हमेशा ही मालदीव्स के साथ में एक ट्रस्टेड नेबर की भूमिका निभाई है, लेकिन समय और काल के साथ साथ चीन का जैसे जैसे यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मालदीव्स भारत का मित्र तो रहेगा, लेकिन चीन के प्रभाव में रहते हुए सत्ता परिवर्तन के साथ साथ भारत के इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जा सकती। आने वाले समय में यदि ये व्यक्ति वापस लौट के आता है जिसका नाम है यामीन, तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं हैं कि भारत के निवेश को नुकसान पहुंचेगा। ये भारत के बारे में ब्लेम करता है कि भारत ने यहाँ पर सेना का डेरा डाल दिया है। भारतीय सेना मालदीव्स में प्रेजेंट है, ऐसा यामीन का कहना है। यामीन का कहना है कि भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम विकसित किए गए हैं, जिससे कि वो मालदीव्स में चीन की गतिविधियों को नियंत्रित में रखने का कार्य करते हैं।
ऐसी स्थिति में यहाँ के युवाओं को इस प्रकार से भड़काया जाता है, यहाँ पर ये लोग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हम इंडिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया के लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की मिलिट्री से हमें दिक्कत है। और यही कारण है कि ये दोनों लोग अपने अपने पक्ष को रखते हुए तमाम मंचों पर दिखाई पड़ते हैं और भारत विरोधी नारे की यहाँ पर गूंज सुनाई पड़ती है। इंडिया ने चूंकि भारत के इंडिया ने मालदीव्स के कोस्टल निगरानी के लिए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिए थे, जिसे मालदीव्स का कहना है कि सर्विलांस के उपयोग के लिए दिया गया था। आप चाहें तो इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर सेशन डला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि मालदीव में भारत का विरोध क्यों होता है। ये विरोध कोई नई बात नहीं है। जब से यामीन सत्ता से गए हैं, उनको लगता है कि उन पर लगे हुए मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हैं वो भारत के प्रभुत्व के कारण ही लग पाए थे। विषय आगे कालांतर में और डिस्कस होगा, फिलहाल के लिए तो ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था साथियों मालदीव्स के साथ भारत का संबंध। आने वाले समय में देखा जाएगा कि मालदीव्स कितना ज़्यादा डेट के अंदर फंसता है, क्योंकि वर्तमान में कहा जा रहा है कि मालदीव्स के पास जितना लोन है उससे कम उसकी जीडीपी है। उसने चीन से जितना लोन ले रखा है उससे कम उसकी जीडीपी है। और ये माना जाता है कि जिस प्रकार से श्रीलंका और पाकिस्तान डेट ट्रैप के अंदर फंस गए, मालदीव्स भी संभव है कि आने वाले समय में डेट ट्रैप का शिकार बन जाएगा। क्लियर है, सेशन को शेयर करते रहिए और आगे की जानकारी लेते रहिए। दुनिया में जहां एक और रूस और यूक्रेन का विवाद पूरी तरह घन्नाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति फिर से बाहर निकल आया है। ये व्यक्ति कोई और नहीं अपितु नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन हैं। इन्होंने दुनिया को हाल ही में चौंका दिया है। चौंकाया इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में अपनी ही एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया गया जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक मार लगा सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें ऐसी ही मिसाइलों को कहा जाता है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर पहुँच बना सकें। उदाहरण के लिए यदि आप एशियन कॉन्टिनेंट पर रहते हैं और आपकी चली हुई मिसाइल से अमेरिका को निशाना बनाया जा सके तो ऐसी मिसाइल सिस्टम को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। सामान्यतया उस देश को सबसे सक्षम माना जाता है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, क्योंकि वो अपने देश में से रॉकेट दाग कर दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में ऐसी सुविधा या ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके चलते वो नॉर्थ कोरिया से सीधे ही यदि मिसाइल को दागेगा तो अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया के विरोध में ना केवल अमेरिका बल्कि साउथ कोरिया, जापान उतर आए हैं। इन दोनों के समर्थन में भारत भी उतर आया है, यानी भारत ने भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर नॉर्थ कोरिया के ऊपर ब्लेम किया है कि इसने अपने ही किए हुए वादे को तोड़ा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने वंस अपॉन ए टाइम कहा था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने लेकिन यूनाइटेड नेशंस में केवल मालदीव्स को ही नहीं अपितु पाकिस्तान को भी लपेटा है, क्योंकि भारत मानता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तकनीकी आदान प्रदान किया हुआ है। चूँकि नॉर्थ कोरिया के पास में कभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जैसा कि सूत्रों से मालूम चला या जैसी खबरें बाहर आई कि पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक नॉर्थ कोरिया को दी थी, ठीक उसी प्रकार से चूंकि पाकिस्तान के पास मिसाइल विकसित करने की तकनीक नहीं थी तो ऐसा उम्मीद की जाती है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा मिसाइल बनाने की तकनीक पाकिस्तान को दी। ये दोनों घटनाओं के प्रमाण अखबारों में भी हैं, मैं आपको उनको साझा भी करूँगा। फिलहाल के लिए इसके अंदर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जैसा कि मैंने आपसे कहा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसी स्थिति में भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंच करके कह रहा है कि ये बात गलत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसका निकटवर्ती राष्ट्र दक्षिण कोरिया है, जिसे तो वो कभी भी टारगेट बना सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया चाहता है कि जब वो उन्हें टारगेट बनाए और अमरीका उनके समर्थन में आगे उतर के आए तो वो अपना गोला अमेरिका पर भी गिरा दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने जो मिसाइल लॉन्च की है वो मिसाइल नॉर्थ कोरिया से चलाई गई वो आकाश में 6000 किलोमीटर ऊंचाई तक चली गई। आप ऐसे सोचिए कि भारत के द्वारा जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज में लिए जाते हैं, एक का नाम PSLV है और दूसरे का नाम GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो सिस्टम है ये अधिकतम 2000 किलोमीटर तक ही
सैटेलाइट्स को छोड़ता है, वहीं पर ये 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पास से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी वो जमीन से 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ के गई, वापस लौट के जमीन पर आई और लौट कर के जिस प्रकार से आगे जाके गिरी वो नॉर्थ कोरिया से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर जापान के नज़दीक जाकर के गिरी है, यानी कि सी ऑफ जापान में जाकर के मिसाइल गिरी। यानी कि दोनों कैलकुलेशंस को अगर एक साथ ले लिया जाए तो 6000 किलोमीटर तो ऊपर गई, 1100 किलोमीटर लंबाई में गई, यानी कि मिसाइल जब चली तो कुछ इस प्रकार से उड़ करके गई, यानी कि आप ऐसे समझिए कि यहाँ से चलाई गई मिसाइल तो ये पहले आकाश में गई और उड़ करके फिर इस प्रकार से आई, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बात को इधर से समझने का प्रयास करें, यानी कि एक तरह से ये मिसाइल सिस्टम यूं जाके ऊपर से फिर नीचे आया है, यानी कि 6K के ऊपर तो ये यूं गया और फिर जमीन पर लौट करके नीचे आया है, और जमीन में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास की देखी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। इस पूरे 7000 किलोमीटर की गति को दूर करने में या दूरी को तय करने में इस मिसाइल को लगभग 71 मिनट का समय लगा, ये पूरी दुनिया ने देखा। आइए मैं आपको इसके बारे में भारत के द्वारा SN तिरुमूर्ति जी के द्वारा दिया गया बयान, उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से एकदम फिल्मी स्टाइल में, सलमान खान स्टाइल में किम जोंग उन जो है वो अपने मिसाइल परीक्षण से पहले आ रहे हैं, यानी कि फुल फोटोशूट चल रहा है। अब आप इस वीडियो का प्रॉपर आनंद लीजिए।시험팔 국방과학연구부 내치도 간부들과 함께 발사 종합 지휘소를 차지하시자 발사 진지와 시험 관측 기술 조사들 관련 시험 연구소들의 대륙간 탄도 미사일 화성포 17형 시험 발사를 위한 전투 정보가 울렸습니다. फोटो शूट करवाया गया है, मतलब ऐसा होता है जैसे अपने शादियों में होता है ना फंक्शंस के दौरान, फुल फोटो शूट होना चाहिए, हर एंगल पे फोटो शूट हुआ है। वाकई में इस पर फिल्म बननी चाहिए।함께 눈부신 화강이 지면을 불덩이 같이 달구며
조선 민주주의 민국공화국의 불가항력을 만장약한 거대한 실체가 대지를 박차고 우주 만리로 솟구쳐 올랐습니다. होपफुली आप सबने देख लिया होगा कि भाई ने मिसाइल तो ठीक ठाक बनाई है, बकायदा प्रॉपर तरीके से उड़ के गई है और इस पूरे घटनाक्रम को होने के अंदर 4052 सेकंड का समय लगा है। 6200 किलोमीटर ऊंचाई पर गई है, 1100 किलोमीटर दूरी पर जाकर के ईस्ट सी में जाकर के गिरी है। बनाई तो मेहनत से है भाई इसने चीज, है ना। एनीवे, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कहा है कि इन्होंने अपने ही द्वारा ये वादा तोड़ दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे, तो भारत ने इनके द्वारा किए गए इस कार्य का विरोध किया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भारत ने कोरिया के द्वारा किए गए इस कार्य का अपने परमानेंट जो हमारे एम्बेसडर हैं TS तिरुमूर्ति उनके माध्यम से इस पूरी घटना का विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि ये घटना गलत है। अच्छा, अब एक बात बड़ी बनती है, भारत ने तो बहुत सारी मदद भी भेजी थी कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, और भारत और नॉर्थ कोरिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, तो आफ्टरऑल क्यों भारत ने नॉर्थ कोरिया का विरोध किया? भाई भारत ने विरोध अभी तक किसी और देश का तो नहीं किया, नॉर्थ कोरिया का विरोध क्यों किया, इसके पीछे का कारण समझिए। और नॉर्थ कोरिया का ही नहीं, लपेटते हुए पाकिस्तान को भी लपेटा कि इनके कनेक्शन हैं आपस में। अब ये क्या कहानी है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। साथियों, इनके द्वारा जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये मिसाइल परीक्षण एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने में सक्षम है। 2017 से ये इसको विकसित करने की कोशिश कर रहा था। अब नॉर्थ कोरिया से अमेरिका में भी मिसाइल गिराई जा सकती है। होसोंग 17 के नाम से इनकी एक मिसाइल है जो कि मतलब बहुत लंबी दूरी के ऊपर मार कर सकती है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जानकारी ये कि एक न्यूज़ मतलब बाहर आई थी और वो न्यूज़ ये थी कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं उनके द्वारा, देखिए आपको यहाँ पर ये न्यूज़ की ईयर दिख जाए तो मेरा काम बन जाए। यहाँ पर नोटिस करिए, ये 2005 की न्यूज़ है। डॉक्टर AQ खान के द्वारा नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूजेस प्रदान किए गए थे। सेंट्रीफ्यूजेस बोले तो एटम बम बनाने के लिए जो आवश्यक उपकरण है या आवश्यक क्रियाकलाप है वो पाकिस्तान के AQ खान जो हैं उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया को प्रदान किया गया था। ये 2005 की खबर है। और उससे पहले की खबर देखिए 2004 की, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी बॉट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, ऐसा बेनजीर भुट्टो ने कहा था। मतलब आप समझिए कि 2004 में पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीक लेता है और उसकी एवज में 2005 में ये अपने द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो तकनीक है वो नॉर्थ कोरिया को देता है। यानी कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि ये इतनी संवेदनशील चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसलिए भारत ने नॉर्थ कोरिया का नहीं अपितु नॉर्थ कोरिया से ये चीज़ें आगे चल के पाकिस्तान में ना पहुंच जाएं, इसका विरोध किया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके द्वारा ये सारा काम किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो बेनजीर भुट्टो हैं पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, वो अपने द्वारा इस तकनीक को लेने के लिए 1993 के अंदर पाकिस्तान से निकल करके नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गई थी कि उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी का तकनीक मिल जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर नॉर्थ कोरिया इतना इंटेलिजेंट है क्या, उसके पास में इतने प्रकार की तकनीकें मिल जाती हैं? इसका आंसर भी जान लीजिए। असल में नॉर्थ कोरिया एक प्रकार से चाइना का माउथ पीस है। चाइना का माउथ पीस है का मतलब हुआ कि चाइना जहाँ जहाँ उधम मचवाना होता है वो उसके हाथ मचवाता है, उसे वो अपनी तकनीक देता है और उसी के माध्यम से दूसरे देशों में बिकवाता है। चाइना का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है नॉर्थ कोरिया, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर के अंदर इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि क्या सर भारत के पास में कोई इस प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है क्या? आंसर है, भारत के पास में जो Agni-5 है वो ICBM मिसाइल सिस्टम ही है। भारत तो ऑलरेडी जब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ कर सकता है, तो हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास इससे भी उन्नत चीज़ें उपलब्ध हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई हो। अगर ये जानकारी समझ में आ रही हो, आपको हमारा प्रयास समझ में आ रहा हो, तो सेशन को शेयर करने में कतई कंजूसी ना करें।
सेशन को शेयर करते रहें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों, एक बहुत ही अल्टीमेट खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जबरदस्त बयान दिया है। जबरदस्त बयान ये है कि यदि आप स्माइल करते हुए यानी मुस्कुराते हुए किसी से कुछ कहते हैं तो इसे हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, मुस्कुराते हुए कोई हमसे कुछ कहे और हम बुरा ना माने, ये कैसे हो सकता है सर? आइए पहले मैं आपको केस बताता हूँ, मुद्दा बताता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी हंसते हुए कहता है तो वो क्राइम नहीं है। इफ सैड विद स्माइल नो क्रिमिनलिटी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। मुद्दा क्या था, आइए मैं आपको एक बार मुद्दा बताने की कोशिश करता हूं। मुद्दा क्या था साथियों? मुद्दा यह था कि अनुराग ठाकुर, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी से मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं भारत के, और एक एमपी परवेश वर्मा, इनके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का एफआईआर दर्ज की जाने की बात हुई कि भाई इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ऐसा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की नेता वृंदा करात ने एक पिटीशन के माध्यम से लोअर कोर्ट में आग्रह किया कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ और परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन कोर्ट ने जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो वो इस केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में जाके कहा कि अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिए थे जिससे कि हिंसा भड़क सकती थी, और जब हिंसा भड़क सकती थी तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के खिलाफ हेट स्पीच फैलाने के लिए केस दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, मुद्दा क्या था, कहानी कहाँ की है। आपको मालूम होगा, मतलब साल भर पहले की घटना है, कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। दिल्ली दंगों के दौरान अनुराग ठाकुर और इनके साथ में जो दूसरे, मैंने परवेश वर्मा जिनका नाम लिया, उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए जाने की खबर निकल करके आई थी। उन खबरों के अंदर देखिए, मैं उस शब्द को भी निकालना चाहता हूँ जो इन्होंने भाषण में कहा था। 2020 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस प्रकार का नारा उपयोग में लिया था। अब इस घटना के विरोध में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अनुराग ठाकुर ने जो स्टेटमेंट प्रचार में उपयोग में लिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया, क्या निकाला गया, कि किसी एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। और इसी बात को लेते हुए जो वृंदा करात हैं वो हाई कोर्ट पहुंची कि इस वजह से किसी एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ हिंसा हो सकती है, क्योंकि एक इतना बड़ा नेता अगर किसी से ये कहेगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ऐसे कहने से एक मतलब जो विचारों के अंदर जो एकता है वो खत्म हो जाएगी और इस वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे। इसलिए हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं ये बयान और इन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए। अब काउंटर आर्गुमेंट सुनिए वकील का। वकील ने कहा, जो मतलब अनुराग ठाकुर की तरफ से केस लड़ रहा था, उस वकील ने कहा कि इस बारे में कोई कैसे कह सकता है कि गोली मारो सालों को में जो सालों शब्द है या गद्दार जो कहा गया है वो केवल एक समुदाय विशेष के लोगों को कहा गया है। क्योंकि आपको मालूम हो कि CAA प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग पर प्रदर्शन करते समय मुस्लिमों की तस्वीरें काफ़ी आम हुई थी, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि केवल मुस्लिम ही थे जो CAA का विरोध कर रहे थे। बहुत सारे कांग्रेसी भी थे या बहुत सारे अन्य पार्टी के नेता भी थे जो कि शाहीन बाग के अंदर हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई ये कैसे कह सकता है कि ये केवल एक समुदाय विशेष के खिलाफ लगाए गए नारे थे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वकील ने कहा कि देश के गद्दारों को ये बात कही गई है, क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये नारे लगे वो गद्दार है? कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कोर्ट ने उल्टा दूसरे पक्ष को उलझा दिया ये कहते हुए कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आप ही के खिलाफ लाइन बोली जा रही है, क्या आप गद्दार हैं? कहने का अर्थ ये हुआ कि लोगों की इंटरप्रिटेशन के साथ यहाँ खेला हो गया, और इस खेला के दौरान हाईकोर्ट ने एक लाइन कही और कहा
कि देश के राजनेता चुनावों में जिस प्रकार के बयान देते हैं, यदि उन सभी बयानों को सीरियसली ले लिया जाए तो हर राजनेता के ऊपर 1000 से अधिक FIR हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में राजनीतिक चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण जो होते हैं वो गैर सीरियस प्रकार के होते हैं और कुछ मजाकिया प्रकार के होते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि यदि कोई बयान हंसते हुए दिया गया हो तो इसका अर्थ सीधा सीधा हेट स्पीच नहीं निकाला जा सकता। इसके ऊपर एक कार्टून काफी वायरल हो रहा है जिसमें यहां पर एक अपराधी हाथ में चक्कू लिए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये चक्कू लिया हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है तो इसने अपने द्वारा एक लाइन बोली कि मजाक में मारा साहब, आई किल्ड विद स्माइल, यानी कि क्या हंसते हंसते अगर कोई हत्या कर दे तो क्या उसे भी क्राइम नहीं माना जाएगा। ऐसा यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मीम वायरल भी हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना कि यदि आपने कोई भी बयान हंसते हुए दिया, स्माइल करते हुए दिया, तो उसे क्रिमिनलिटी नहीं माना जाएगा, उसे दुर्भावना से पूर्ण मानते हुए क्रिमिनल करेक्टर नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी बहस छेड़ने वाला विषय है। इस पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मंचों के ऊपर बहस होंगी, लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत करेंगे, इस बारे में देखना होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बारे में आगे चर्चाएं कभी डिटेल से हों। फिलहाल के लिए यह एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। आप लोग अपने लेवल पर हेट स्पीच पर एक प्रॉपर तरीके का राइटअप तैयार कर लें। साथियों, एक गजब की चीज़ निकल कर आई। गजब की चीज़ क्या निकल के आई? आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अल्टीमेट न्यूज़ है। अल्टीमेट न्यूज़ ये है कि हाल ही के अंदर नीदरलैंड में इंसानों के रक्त पर एक सैंपल कलेक्शन का प्रयोग किया गया। मतलब ऐसे समझिए कि नीदरलैंड के अंदर जो डच वैज्ञानिक हैं उन्होंने 22 रैंडम लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए। जैसे मेरा ब्लड सैंपल ले लिया, फिर कहीं और 5 किलोमीटर दूर जाकर के किसी बच्चे का ब्लड सैंपल ले लिया, कहीं दूर जाकर पहलवान का ले लिया, कहीं जाके डॉक्टर का ले लिया। इस प्रकार से उन्होंने 22 ब्लड सैंपल कैलकुलेट किए, रक्त के सैंपल कैलकुलेट किए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 22 में से 17 लोगों के खून में प्लास्टिक था। विचार करिए, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील न्यूज़ है। ये ऐसी न्यूज़ है जिसने कि दुनिया को झकझोर दिया है। आप विचार नहीं कर सकते कि आज इस दुनिया में आधे से अधिक लोगों के खून में प्लास्टिक बह रहा है, जिसकी कल्पना हमें और आपको नहीं है। ये चीज़ जैसे ही आपको पता चलती है, निश्चित ही आपके कान चिंता के मारे खड़े हो जाने चाहिए कि आपके ब्लड में प्लास्टिक है। अब आप पूछेंगे कि सर, हमारे ब्लड में प्लास्टिक पहुंचा कैसे? बहुत आसान तरीके से पहुंचा। कैसे? बचपन में जब बच्चे ने दूध की बोतल को मुंह से लगाया, तब बोतल के माध्यम से प्लास्टिक उसके शरीर में सबसे पहले एंट्री किया। दुनिया में जब से प्योर वाटर पीने के चलते, ये जो पानी अपन पीते हैं आजकल RO का, या डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, ये जिस प्रकार की बोटल्स के अंदर पानी पिया जाता है, वहाँ पानी के साथ साथ उस बोतल के किनारों के अंदर से झड़ कर के प्लास्टिक की छोटे छोटे कण हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे कॉस्मेटिक का प्रयोग किया जाना, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का प्लास्टिक में रखकर संग्रहण करना, भोजन इत्यादि के लिए आवश्यक सामान को प्लास्टिक की थैली से इधर से उधर लेके जाना, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक का पीना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स की एंट्री हुई। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जब खून के अंदर माइक्रो प्लास्टिक हो चुका है तो निश्चित ही उस माइक्रो प्लास्टिक की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, जिस वजह से ऑक्सीजन जब वो सही से ले जा ही नहीं पाएगा तो श्वसन संबंधी दिक्कतें होंगी। बड़े समय में चलते हुए शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के रुक जाने से बहुत सारी दिक्कतें, जैसे पैरालिसिस का होना, हार्ट अटैक का होना, दिमाग का बंद हो जाना देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, इस वजह से कैंसर की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, विशेष रूप से पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीमिथाइल मिथाइक मैक्रेलिलेट और नाइलॉन जैसे प्लास्टिक शरीर में पाए गए हैं। 22 ब्लड सैंपल्स में से 17 ब्लड सैंपल पॉल्यूटेड पाए गए हैं। ये निश्चित ही एक चौंकाने वाला तथ्य है जो हम सबको चिंता में डाल सकता है, यानी कि शरीर के अंदर यह एक चिंता का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। बड़ा सवाल बनता है कि सर, क्या कॉस्मेटिक्स के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग होता है? जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत तरीके से उपयोग में लिया जाता है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के अंदर ऐसा कोई भी प्लास्टिक का पार्टिकल जो 5 mm से छोटा हो वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है, और हमारे द्वारा प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के सामान के उपयोग करने से वो शरीर में पहुंचता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो है जो कि किसी विशेष पर्पज से, जैसे कि फेस वॉश के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, स्क्रब के अंदर, पॉलीथीन के माध्यम से लाया गया। दूसरी तरफ है साथियों सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, जिसका उद्देश्य आप तक प्लास्टिक पहुंचाना नहीं था, जैसे पानी की बोतल हुई, या फिर सामान ले जाने के लिए थैला हुआ, गार्बेज रखने के लिए बर्तन हुआ, ये सब सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेज माने जाते हैं। दुनिया भर में माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए भारत ने भी सिंगल टाइप के प्लास्टिक को बैन करने का नियम ले लिया है। ये चिंता की बात है, और आप सबसे भी आग्रह है कि जीवन में माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग सीमित कर लें, अपने जीवन में जितना भी माइक्रोप्लास्टिक आसपास है उसको लिमिट करने का प्रयास करें। साथियों हाल ही में बजट के बाद का जो समय होता है फाइनेंस बिल का, वो फाइनेंस बिल फाइनली पास कर दिया गया। 39 संशोधनों के साथ में इस बिल को पास किया गया, और इसके साथ साथ ही शुरू हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो धन आप कमाते हैं, जो वेल्थ आप कमाते हैं, उस पर लगने वाला टैक्स। क्योंकि आपको मालूम होगा कि लोकसभा ने जब बजट पेश किया गया था, तब ही हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी से हमें धन प्राप्त होगा या फिर जो वेल्थ प्राप्त होती है उस पर 30% टैक्स वसूला जाएगा। उम्मीद है आप सभी को याद हो, ये केवल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया एक पॉइंट है। मैंने बजट 2022 का जब विश्लेषण किया था तब मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी हुई या फिर किसी भी प्रकार के NFT हुए, उन सब के ऊपर सरकार टैक्स लगाने का प्लानिंग कर रही है, और फिलहाल वो टैक्स की प्लानिंग संपूर्ण हो चुकी है। सरकार ने अपने द्वारा स्पष्टीकरण दे दिया है कि यदि किसी व्यक्ति ने लाभ कमाया और लाभ कमाने से उसका जो लाभांश हुआ उस पर तो हमने टैक्स ले लिया, लेकिन कल को वो ये कहे कि मेरे क्रिप्टो में पैसे डूब गए तो हम अपने लाभांश में से कुछ लौटाएंगे नहीं, जो डूब गए वो उसके डूबे, जो जमा जो बने वो हमारे बने, ऐसा सरकार का कहना है। ये थी सारी महत्वपूर्ण खबरें। इसके बाद है साथियों सवाल के आंसर, वन लाइनर क्वेश्चंस के, वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्लास पूरी होने के बाद में ये 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपको यहाँ पर मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स क्या होता है ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा इस चीज़ की घटना मतलब घोषणा की जाती है, ठीक है ना, नेशनल डॉल्फिन दिवस की मनाने की बात की गई है। हाल ही में सुरक्षा कवच नाम से एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसमें भारतीय सेना महाराष्ट्र पुलिस के साथ में एक एक्सरसाइज कर रही है। ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो ये लुल नगर के अंदर पुणे में आयोजित की जा रही है। आप इसके बारे में जान सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ में मिलकर के। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लास पूरी होने के बाद मिल जाएंगे। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए हाल ही में किरण मजुमदार शाह को नॉमिनेट किया गया है। इनको मतलब ये रॉयल फेलोशिप दी जा रही है। किरण मजुमदार शाह बायोकॉन इंडिया की मालिक हैं। इसके साथ साथ RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में RBIH का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया। RBIH रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ RBIH के अंदर जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मतलब फिनटेक फर्म्स आदि को मतलब रेगुलेट करने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर के तरीके से इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में किसी रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया। हालांकि ये सब सवाल मैं आपको लिखित में देता हूं, बस वैसे ही रीडिंग लगा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। इसमें मैं भी रीडिंग लगा रहा हूं, आप भी रीडिंग लगा लेना। बहुत अच्छे से हमने आपको सवाल बना के दिए हैं, कुल 15 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अल्टीमेट प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपके वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी मायने रखते हैं, आप इन्हें जरूर देख लें, ठीक है ना। ये आपको अभी तुरंत के तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज में 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी UPSC की तैयारी करना चाहता है तो अन अकेडमी पर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 63,000 रुपये में दिया जा रहा है। प्रिलिम्स और CSAT की जो अन अकेडमी की लाइट टेस्ट सीरीज है वो 3100 रुपये में उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी UPSC के लिए अन अकेडमी पर एक प्रॉपर फ्री का
वो बनाया गया है गाइडेंस प्रोग्राम। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा उपलब्ध है जिसमें कि आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ EMI फैसिलिटी पर UPSC का सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें।